एनर्जी से बने थे, इसलिए यूनिक्रॉन का एंटी स्पार्क प्राइम्स के बनाए कंटेनर के सामने कमजोर पड़ गया। लेकिन अगर इसके अंदर ये है तो यकीन नहीं होता। मालिक, आप जिंदा हैं? बिल्कुल। आपका ये नया बैटल आमा हमें एक नई तरक्की दिलवाएगा हुजूर। हम मिलकर डिसेप्टिकॉन्स को एक करेंगे और फिर से साइबरट्रॉन को आपके कदमों में गिरा देंगे। नहीं। क्या? पर क्यों? अब मैं दबकर रहने का असली मतलब समझ गया हूँ, और इसलिए अब मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं। जरूर आपको गहरा सदमा पहुंचा है मालिक। आप बस थोड़ी देर के लिए पावर डाउन करके आग उबलने वाले गड्ढे के पास सैर करेंगे तो पहले जैसे बेरहम हो जाएंगे। खामोश, कोई डिसेप्टिकॉन नहीं बनेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। पर मैं इस पर सोच के जवाब दूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से राजा बन जाऊंगा, पर लॉर्ड मेगाट्रॉन खुद इसे मेरे हाथों सौंप कर गए हैं, तो मैं डिसेप्टिकॉन्स का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखा जाए तो इस गद्दी पर बैठने के असली हकदार तो आप हैं। मैं यहाँ किसी गद्दी पर बैठने नहीं आया हूँ स्टारस्क्रीम, हिसाब चुकता करने आया हूँ। ऑल स्पार्क को किसी भी तरह बचाने और यूनिक्रॉन को हर हाल में हराने के लिए मेरे इस कंटेनर को खाली करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन कहां? मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप में। अब मैं अपने खुद के स्पार्क से अलग नहीं हो सकता, ना ही उनसे जो इस वक्त मेरे अंदर हैं। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ऑल स्पार्क के साथ मिल चुके हो ऑप्टिमस? लेकिन ऐसा तो तब कहते हैं जब कोई मर। अगर ऑल स्पार्क को वापस नहीं लौटाया गया तो साइबरट्रॉन पर आने वाली नई पीढ़ियां कभी आबाद नहीं हो पाएंगी। मुझे अपना मकसद पूरा करना ही होगा। ऑप्टिमस, मैं यहां एक जिंदगी इसलिए बचाने नहीं आया था कि दूसरी गंवा दूं जिसकी मैं परवाह करता हूं। रैचेट ने ग्रह में जान डाली थी, वो तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लेगा। हम वेक्टर सिग्मा से मदद मांगेंगे जैसे पहले मांगी थी। क्योंकि अब मैट्रिक्स को ऑल स्पार्क के साथ जुड़ा रहना होगा, इसलिए उसे दोबारा निकलने या किसी और को देने का कोई रास्ता नहीं है। माना कि इसके बाद प्राइम्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन लीडरशिप मैट्रिक्स के साथ और उसके बिना भी हासिल की जा सकती है, और मेरी नजर में तुम सबने एक प्राइम का फर्ज निभाया है। कभी ऐसे अच्छे बॉट्स मिले ही नहीं जिनसे कुछ सीखूं। जैसे मेगाट्रॉन ने इस बात को आज साफ जाहिर कर दिया, हर सेंटियन जीव चाहे तो अपने आप को बदल सकता है। मैं तो ऑटोबॉट से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, जब भी लड़ो ईमानदारी के साथ लड़ो। हम इस शांति को भंग नहीं होने देंगे। एक और बात, मेरे जाने का दुख मत मनाना। क्योंकि मेरा स्पार्क कहता है कि ये अंत बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है।
इसे एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन समझना।